जहां बॉलीवुड में अच्छी सूरत और फिट बॉडी आज कर अभिनेताओं के लिए जरूरी मानी जाती है, वहीं हमारे पास कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्होंने इन सभी मापदंडों को तोड़ते हुए अपनी अदाकारी दिखाकर दिग्गज कलाकारों का दर्जा हासिल किया है। इन्हीं कुछ कलाकारों में आशुतोष राणा का नाम भी शामिल है। आशुतोष राणा अपने निभाए किरदार में कुछ इस तरह घुस जाते हैं कि स्क्रीन पर उनका अभिनय तालियां बजाने लायक होता है। अभिनेता ने कई बेहतरीन फिल्मों में विलेन का किरदार निभाकर लोगों को खौफ का बखूबी एहसास कराया और करोड़ों के मालिक बन गए। हालांकि उनका यहां तक का सफर आसान नहीं था। आज अभिनेता के जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनकी कहानी से रूबरू कराते हैं। आशुतोष राणा का जन्म 10 नवंबर 1967 तो मध्य प्रदेश के गदरवारा में हुआ था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे आशुतोष को बचपन से ही अभिनय का बहुत शौक था। उनके सिर पर एक्टिंग का नशा कुछ इस कदर चढ़ा हुआ था कि वह गली गली घूमकर नाटक किया करते थे। इतना ही नहीं, वह बचपन में गांव में होने वाली रामलीला में रावण का किरदार निभाते थे। उनका रावण का रूप लोगों को इस कदर भाता था कि वह हर साल उन्हें ही उस किरदार में देखना चाहते थे। इतना सब करने के बाद भी आशुतोष ने कभी नहीं सोचा था कि वह बॉलीवुड में कदम रखेंगे। आशुतोष पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। अभिनेता ने जब 11वीं कक्षा पास की थी तब उनके पूरे गांव में जश्न का माहौल था। अभिनेता का रिजल्ट लॉरी में सजाकर पूरे गांव में घुमाया गया था। इतना ही नहीं, गांव भर में ढोल बजाकर उनका स्वागत किया गया था। पढ़ाई की ओर अपना झुकाव देखकर आशुतोष ने एक दिन वकील बनने का सपना देखा था, लेकिन उनके गुरु ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें एक्टिंग में करियर बनाने की सलाह दी। अपने गुरु के कहने पर आशुतोष राणा ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में साल 1994 में एडमिशन लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद आशुतोष महेश भट्ट से मिले, लेकिन अभिनेता ने उनके पैर छुए और वहीं बात बिगड़ गई। हालांकि बाद में सब सही हो गया था। बाद में महेश और आशुतोष के बीच सब ठीक हुआ और अभिनेता ने अपने करियर की शुरुआत निर्देशक के ही टीवी धारावाहिक स्वाभिमान से की। इसके बाद आशुतोष एक के बाद एक कई टीवी शो में नजर आए, जिनमें फर्ज, साजिश, कभी कभी और वारिस शामिल हैं। टीवी सीरियल्स में काम करने के बाद आशुतोष को अपने बड़े पर्दे पर अपने अभिनय का दम दिखाने का मौका फिल्म परदेसी रे से मिला, लेकिन उन्हें पहचान दुश्मन में खलनायक का किरदार निभाकर मिली। इस फिल्म के लिए अभिनेता को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके बाद आशुतोष राणा तमन्ना, कृष्णा अर्जुन, गुलाम, संघर्ष, बादल, राज, अनर्थ, हासिल, कलयुग, जिला गाजियाबाद, शोरगुल, सोन छिड़िया, वॉर और पगलैट जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया। आशुतोष राणा न केवल हिंदी बल्कि बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। अभिनेता की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अभिनेत्री रेणुका शहाणे से शादी रचाई थी। दोनों की लव स्टोरी बिल्कुल फिल्मी है। रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अभिनेता अभिनेत्री को फोन पर कविताएं सुनाया करते थे। दोनों के दो बेटे शौर्यमन और सत्येंद्र हैं। गांव से मुंबई तक का सफर तय करने वाले आशुतोष राणा ने अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में ऐसी पहचान बनाई है जिसे मिटा पाना मुश्किल है। अभिनेता ने नाम बनाने के साथ ही पैसा भी खूब कमाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आशुतोष राणा की नेटवर्थ लगभग 46 करोड़ रुपए है। फिल्मों के साथ ही आशुतोष विज्ञापनों से भी पैसा कमाते हैं। इतना ही नहीं, वह एक्टर एक लेखक और कवि भी हैं।